ये है नजारे भाई साहब, ये है नजारे। ठीक है चलो चलो, ये हमारी सुनेना। We used to be solid, not falling apart. So hello everyone, this is Sumant. Welcome back to another video, भाई साहब। काफी दिनों के बाद भाई काम से फुर्सत मिला और फिर हम लोग निकले राइड पे। हा हा हा। तो आज हमारे साथ जो है इंद्रजीत चलेंगे, जो हमारे पिलियन राइडर रहेंगे। तो अभी जो सबसे पहले है वो है चायवासा रोड पकड़ना। चलो भाई, चलो 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 भाई, बहुत दिन के बाद इस तरह का राइड करें, क्या जबरदस्त मजा आ रहा है। जैसा लग रहा है कितने सालों के बाद जो है राइड कर रहे हैं भाई साहब। तो अभी जो है चायवासा जा रहे हैं हम लोग। चायवासा क्रॉस करके आगे से एक राइट टर्न होता है जो सीधा जगन्नाथपुर की ओर मतलब जाता है रूट। तो हम लोग जाएंगे बेसिकली अभी जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर से फिर और एक रास्ता कटता है राइट की ओर। हम लोग जा रहे हैं किरीबुरु। किरीबुरु बहुत ज़्यादा मतलब एक ठंडा प्लेस, तो ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा ठंडा वहाँ है। और जो है काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ से व्यू आता है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, पूरा हिल टॉप है। तो आई होप जो है ये ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होगा भाई, बहुत ज़बरदस्त मजा आएगा। तो भाई कीप वॉचिंग। तो हम लोग हैं अभी चायवासा में। यहाँ से जो है हम लोग को जाना है जगन्नाथपुर। अब जगन्नाथपुर के लिए जो है आगे से एक रास्ता जाता है राइट होते हुए, तो वो बताएंगे आगे। तो भाई ऐसे ऑफ रोडिंग करते करते पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये जो सीधा रोड जाता है ये सीधा जयंतगढ़ होते हुए निकलेगा, बट हम लोग जो है यहाँ से ले लेंगे राइट। अब यहाँ से देखो जगन्नाथपुर है 41 किलोमीटर, जयंतगढ़ इधर से भी जाने का रास्ता है नुआमुंडी 60 किलोमीटर। तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं जगन्नाथपुर होते हुए हम लोग नुआमुंडी जाएंगे। तो यहाँ एक जगह रुका गया था मूत्र विसर्जन के लिए, है ना। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हम लोग का ज़बरदस्त जुगाड़ किया गया था। ऑल ए सडन दिमाग में आया, अरे भाई उधर तो थोड़ा फॉग रहेगा, क्या करे क्या करे, तुरंत तो फॉग लाइट लगा नहीं सकते, चलो भाई लगाओ ऐसा। वैसे काम तो बड़ी ज़बरदस्त कर रही है वाला। चलो चलो निकला जाए अभी आगे। भाई हम लोग पहुंच गए जगन्नाथपुर अभी। देखो यहाँ से अभी होगा राइट, तो यहाँ से भाई साहब यहाँ से राइट लेना है आप लोगों को। अबे जगन्नाथपुर आ गया, यही है जगन्नाथपुर। तो यहाँ से इंडिकेटर दे दो, राइट मुड़ो। ठीक है भाई, यहाँ पे पानी बोतल भी ले लेते हम लोग। हाँ तो यहाँ से जो है राइट लिए, अब सीधा यहाँ से नुआमुंडी, कोई रुकना नहीं किधर हो नहीं। तो अभी हैं हम लोग नुआमुंडी में और इधर से ओवरब्रिज के ऊपर होते होते जाएंगे। किरीबुरु आगे से लेफ्ट है ना, 15 किलोमीटर और। ठीक है चलो बढ़िया। ये हाथी चौक है ना, ये हाथी चौक है। हाँ ये ही हाथी चौक है। अब यहाँ से लिया जाएगा लेफ्ट। वाओ, एक फोटो ले लेते ना भाई। ये है नज़ारे, व्हाट अ सेक्सी वेदर मैन, क्या बोले हैं और इसको क्या। नहीं नहीं, तो गोरखा इधर से हम लोग लिए थे राइट, समझा। हाँ। राइट होते हुए शायद मनोहरपुर होते हुए निकलता है। हाँ। राउरकेला इधर से। अच्छा समझा, चलो इधर चलो।
चलो इधर इधर से लिया गया लेफ्ट, ये शायद सैंडल चौक है हमको लगता है, जहाँ तक ये सैंडल चौक है। ओ माय गॉड, अब तो और मस्त रोड है भाई। ओरे तेरी, लो लो फॉग, लो क्या खतरनाक वेदर है भाई। ओ तेरी, और काला हो जा रहा भाई, और हालत खराब हो जा रहा। ले भाई साहब, बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, वाओ भाई, जगह ही वैसे है कि एक ही वर्ड निकल रहा है, वाओ। Tear us apart and bury me, all in my head alone, calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy, all of my fuels is blown. If I burn as a sign, build in a bonfire. देखो भाई टर्न, फिर से टर्न है, अरे एक नंबर भाई, अरे ले टर्निंग। एक नंबर मजा आ रहा भाई, जबरदस्त मजा आ रहा। फिर से यहाँ पे फॉग है, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग है भाई। भाई क्या लग रहा, देखो भाई यहाँ धूप निकला हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखो फॉग भरती, आगे कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ जाना है नहीं जाना है। ले भाई साहब, अभी और कितना किलोमीटर बाकी है? 4 किलोमीटर है, मोर 4 किलोमीटर लेफ्ट। अब देखो धीरे धीरे क्लियर हो रहा फॉग पूरा, भाई यहाँ देखो यहाँ पे आगे फॉग है, लोकेशन एक नंबर। घूमने के लिए सर इतना जबरदस्त जगह रखे हैं आप लोग छुपा के, वही देखने के लिए आए, घूमने के लिए। घूमने के लिए आधार कार्ड है? हाँ है सर, एकदम दिखाएंगे सर। यस, कहाँ जाएगा? आगे पॉइंट है जो भी घूम लेंगे वहाँ। ओके ओके, इक्कीस ले सब बोला पता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, समझा? क्या लिखा है भाई हिंदी में? इधर ही जाना है ना, क्या पर वही इधर मत घूम जाइएगा, ड्रॉप से राइट घुसेगा, तो आपने टॉप वाला ऊपर वाला में आपने टॉप में जाइएगा तो राइट मिलेगा, बस ये रास्ते का सीधा पूरा जाइएगा टॉप में, हाँ वहाँ से सीधा लेफ्ट, ये राइट मार दीजिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। तो बताया गया यहाँ से जाना है स्ट्रेट और इसके टॉप में जाके लेना है राइट। भाई सनसेट पॉइंट किधर है? सनसेट पॉइंट नहीं पता, सनसेट पॉइंट किधर है? इधर। अच्छा अच्छा, हाँ इधर से है, मतलब आगे में रास्ता नहीं है, वही ही तो सामने ही है, मतलब 200 मीटर होगा। अच्छा अच्छा, सनसेट पॉइंट, अभी हम लोग सनराइज़ के टाइम में सनसेट पॉइंट देखने जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, आए हैं जब देख ले जगह सब। ये होगा अंदर, ऊपर से जाना होगा ना। अच्छा, अरे गाड़ी रखेंगे तो नहीं हम? हाँ यहाँ गाड़ी नहीं रखेंगे, नहीं गाड़ी घुसा दो, चलो। कहाँ घुसाएं? अंदर ऊपर। अरे भाई यहाँ सनसेट पॉइंट देखने के लिए हम लोग गाड़ी कहाँ कहाँ से कहाँ चढ़ा रहे हैं, गाड़ी इतना ही दूर आएगा शायद हमको लगता है। हाँ चढ़ा देंगे भाई, डोमिनार है। तो यहाँ पे है गाड़ी, रखते हैं हम लोग जाके देखते हैं। वेल लोकेशन तो काफी अच्छा लग रहा है,
ओके ओके ओ माय गॉड। तो यहाँ की ये चीज बोला जा सकता है कि ब्रो सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो इंद्रजीत जी, यहाँ पे आके बोला जा सकता है कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। अरे भाई क्या जबरदस्त। हाँ भाई, इतना सारा टर्न ले लेके तो पहाड़ पहाड़ में चढ़ चढ़ के आए, क्या जबरदस्त लग रहा। सो भाई ये है सनसेट पॉइंट जो कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और जो कि हम लोग यहाँ पे तो ये है भाई सनसेट पॉइंट और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अब सनराइज़ के टाइम पे सनसेट पॉइंट आप लोगों को दिखा रहे हैं, बट देखिए भाई ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा फॉग एकदम। और यहाँ पे हमारे इंद्रजीत जी, कैसा लग रहा है सर लोकेशन? बहुत अच्छा जगह, बहुत मस्त लगा ना? बहुत मस्त लगा, खासकर रास्ता सब भाई, क्या टर्न्स, बाप रे बाप क्या टर्न्स हैं। और टर्न्स में मतलब, और फॉग, पूरा भयानक फॉग, ऐसे डेंस फॉग भाई, मतलब सामने दिख रहा है पूरा खाली, और अचानक पूरा खाली, आधा रास्ता इधर फॉग इधर खाली पूरा, बहुत मस्त है। इधर तो देखो थोड़ा बैठने वगैरह की जगह दिया इधर में, तो हालांकि यहाँ पे भाई खड़े होके टाइम पार करने में तो मज़ा ही अलग है। बहुत मस्त लग रहा है, सही जबरदस्त, वर्थ इट लग रहा भाई उतना दूर से। और देखो गूगल में ये चीज़ बता रहा था कि 105 किलोमीटर, भाई ऐसा नहीं है 105 किलोमीटर नहीं है, ये ऑलमोस्ट हमें 124 आसपास का पड़ा टोटल। हम लोग जब मतलब सरायकेला से अगर आते हैं देन ये ऑलमोस्ट 124 किलोमीटर्स का पड़ा हम लोग को। अब क्या थोड़ा सा और सिनेमेटिक शॉट्स लेंगे देन यहाँ से निकलेंगे फिर वापस अपने जगह, क्योंकि एक कहावत है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस मंजिल के रास्ते होते हैं, जो कि ये वाला ब्लॉग में आपको देखने को मिला कि रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, है ना। तो अब आपको सिनेमेटिक्स दिखाते हैं। Confused, internet's gone low, so time is full, making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you, for a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer, find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd, feeling open, find somebody in my life that can make it full. That one's just me times two. तो भाई यहाँ पे ये पॉइंट देखने हो गया हम लोगों का, इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। चलो इंद्रजीत जी बाय बाय, चलो बाय बाय, ठीक है बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, समझे ना भाई, तुम लोग करते हो नहीं हो, करा करो।